गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू एडी टीचर चैनल्स। आज आपका क्लास 10 का लेक्चर 4 होगा हेल्थ थ्योरम का, और इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम। सो लेट्स बिगिन। चलिए, जो इसमें नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं। यहाँ पे देखिए, कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम आज बताएंगे हम आपको। कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम, कन्वर्स ऑफ हेल्थ थ्योरम मतलब हेल्थ थ्योरम का उल्टा। ठीक है, तो हेल्थ थ्योरम का उल्टा बताना है ना, कि अगर ऐसे होता है कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है ए बी सी, तो मैंने आपको बताया था हेल्थ थ्योरम में कि इफ डी पैरेलल बी सी, अगर डी पैरेलल बी सी है, इफ डी पैरेलल बी सी, अगर लाइन पैरेलल है ये वाला, तो साइड प्रोपोर्शनल होगा। इसलिए हम प्रूव किए थे AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन BC। बस फर्क सिर्फ इतना है कि ये दिया हुआ है तो आपको ये प्रूव करना है, और उल्टा में क्या होगा, कन्वर्स में क्या होगा, कि ये दिया हुआ रहेगा और ये प्रूव करना है। कहने का मतलब कि ये लाइन जो है ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आपको प्रूफ कर देना है कि ये लाइन पैरेलल होगा। इसके पहले वाला थ्योरम ने जो शुरू में पढ़ाया है कि डी पैरेलल है बीसी का, ये दिया हुआ था, तो प्रूफ करना था AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई BC। अब उल्टा है कि ये लाइन इफ डी डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन दे मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड। ठीक है, अगर ये वाला लाइन जो है ये दोनों साइड को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई GC, तो DE पैरेलल होगा BC का। कहने का मतलब थेल्स थ्योरम में ये दिया हुआ था, ये प्रूफ करना था, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में ये दिया हुआ है और हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए, आप लोग स्टेटमेंट समझ गए होंगे क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, मतलब एक लाइन है जो ट्रायंगल के किसी भी दो साइड को डिवाइड करता है इन द सेम रेशियो में, तो कह रहा है कि देन द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू थर्ड साइड, वो लाइन जो होगा तीसरे साइड के पैरेलल होगा। ठीक है, तो यहां पे आ जाइए कि हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं, है ना, एक ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, और एक लाइन है DE जो AB और AC को सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपका जो गिवन है आप लिख दो, मतलब गिवन में यही दिया हुआ है कि AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में ये दिया हुआ है आपको AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। कैसे हुआ, इस लाइन के कारण सेम रेशियो में डिवाइड हुआ। तो हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि DE पैरेलल होगा BC का। DE किसके पैरेलल होगा, BC का। चलिए, ये तो सही है, DE BC के पैरेलल, आप जानते हो कि DE BC के पैरेलल होगा तभी साइड प्रोपोर्शनल होगा। इफ DE पैरेलल BC देन यू कैन से दैट AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। लेकिन हमको यहाँ पे प्रूफ करना है कि DE पैरेलल BC कैसे होता है। तो आप जानते हो ना कि ज्योमेट्री में अगर सही चीज को सही प्रूफ करना है तो आप उसको गलत मानते हो। ठीक है, तो गलत मानते तो कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, हमारा सपोजिशन रॉन्ग है, हमारी एंजप्शन रॉन्ग है, ऐसा होगा। ठीक है, तो आप जानते हो कि ज्योमेट्री में अगर किसी भी चीज को सही प्रूफ करना है और सही दिया हुआ भी स्टेटमेंट है कि ऐसा DE पैरेलल BC होगा, ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन हम इसको मान लेंगे कि DE BC के पैरेलल नहीं है। ठीक है, नहीं मान के प्रूफ करेंगे, और प्रूफ करने के बाद देखेंगे कि हम जो माने हैं वो गलत है, फिर लास्ट में कर देते हैं कि वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है, ऐसा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे DE पैरेलल BC होगा तभी आप जानते हो कि DE पैरेलल BC होगा, तभी आप कह सकते हो AD बाई DB इज इक्वल टू AE बाई EC। लेकिन ये तो होना जरूरी है, लेकिन हम इसको मान लेंगे कि DE डज नॉट पैरेलल टू BC, मान लेंगे कि थोड़ा देर के लिए कि DE BC के पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आप करोगे क्या कि इफ इट इज पॉसिबल, अगर संभव है तो, है ना, लेट DE डज नॉट
पैरेलल टू डीसी, पैरेलल टू डीसी। मान लेते हैं कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इन दिस केस, इन दिस केस यहां पे लेट डीएफ पैरेलल टू बीसी। क्या मान लिए हैं कि डीएफ जो है बीसी के पैरेलल है। कौन सा लाइन है? डीएफ बीसी के पैरेलल मान लिए। देख लो आपको लग रहा होगा गलत माने हम, क्योंकि ये कभी भी पैरेलल नहीं होगा, देखने में भी नहीं लग रहा है। ये पैरेलल लग रहा है लेकिन इसको नहीं मानना है कि ये पैरेलल, ये तो प्रूव भी करना है, तो आपको तो इसको गलत ही मानना पड़ेगा। हम गलत यहाँ पे मान लें कि डीएफ बीसी के पैरेलल है, जो कि है नहीं, इसी को हमको गलत प्रूफ करना है। ठीक है, माने कि गलत तो गलत ही आना चाहिए, ये नियम है, रूल है मैथमेटिक्स का। आप गलत मानते हो तो उसका रिजल्ट भी गलत आता है, आप सही मानते हो तो उसका रिजल्ट भी सही आता है। ठीक है, लेकिन सही चीज को गलत प्रूफ करने के लिए, सही चीज को सही प्रूफ करने के लिए आपको गलत ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप कह सकते हो ऐसा नहीं होगा ऐसा होगा। तो हम डी बी सी के पैरेलल नहीं माने, डी बी सी के पैरेलल तो प्रूफ ही करना है, तो उसको कैसे मान सकते हैं? यहाँ पे हम लोग डी एफ पैरेलल माने बी सी, ये गलत माने, डी एफ पैरेलल बी सी। तो आप देख लो, प्रूफ में चलते हैं हम लोग। चलिए आ जाइए, यहाँ पे गिवन में दिया हुआ है AD by DB is equal to AE by EC, ऐसा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका, देख लो ये दिया हुआ है AD by DB is equal to AE by EC, ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन वन मान लो, फिर से लिखना, क्योंकि DF पैरेलल है BC का, किससे लिए हैं? बाय कंस्ट्रक्शन किए हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में बाय कंस्ट्रक्ट लिख दो। यहाँ पे क्या लिखे हैं? डी एफ, ये वाला लाइन डी एफ बीसी के पैरेलल, देख रहे हो ना, डी एफ किसके पैरेलल है? बीसी के पैरेलल। यहाँ पे देख लो, डी एफ बीसी के पैरेलल, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो बाई थेल्स थ्योरम, या इसी को बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। थेल्स थ्योरम बोलो, है ना, थेल्स जो मैथमेटिशियन थे अपने नाम से भी बोल लिख दिए थे कि थेल्स थ्योरम होगा, उसी का दूसरा नाम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी। ठीक है, तो दोनों चीज आप बोल सकते हो, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, दोनों एक ही है। ठीक है, कहीं कहीं पे बाय थेल्स थ्योरम लिखते हैं, कहीं कहीं पे बाय बीपीटी लिखते हैं, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, तो घबराना नहीं है। तो बाय थेल्स थ्योरम, यहाँ पे आप जानते हो कि जब डीएफ बीसी के पैरेलल है, तो जब एक लाइन पैरेलल होता है तो साइड को प्रोपोर्शनल कर देता है, तो डीएफ बीसी के पैरेलल है और एबी को डी पर कट कर रहा है और एसी को एफ पर कट कर रहा है, कौन सा लाइन? डीएफ। तो आप देख लो कि थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा, थेल्स थ्योरम से हो जाएगा एडी बाई डीबी, इधर हो जाएगा एडी बाई डीबी, और इधर क्या हो जाएगा एडी बाई डीबी, इधर क्या हो जाएगा F के कारण इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो इधर आप लोग AF अपॉन FC, AF अपॉन FC। ठीक है, इधर AD अपॉन DB, क्योंकि DF लाइन को देखना है, DE को नहीं देखना है, तो DF लाइन को देखना है, तो AD अपॉन DB, इधर AF अपॉन FC। ठीक है, तो आप यहां पे लिख दो AF अपॉन FC, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब आ जाइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड से, तो आप देख लो कि फर्स्ट में है AD by DB is equal to AE by EC और सेकंड में है AD by DB is equal to AF by FC, है ना, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ना LHS बराबर है। जब LHS बराबर है तो आप RHS बराबर कर दोगे। ठीक है, आप जानते हो, यहाँ पे आ जाओ AE upon EC, इधर हो जाएगा AF अपॉन एफसी, हो गया। अब आप देख लो, इक्वल में इक्वल चीज को ऐड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम दोनों तरफ वन ऐड कर देते हैं, ए अपॉन ईसी प्लस वन, इधर भी ऐड कर दिए, ए एफ अपॉन एफसी प्लस वन, दोनों तरफ वन ऐड कर दिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप जानते हो। ठीक है, इधर एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा ईसी, इधर हो जाएगा ए प्लस ईसी, इधर देख लो एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा एफसी। ठीक है, एफसी हो जाएगा ना, इधर हो जाएगा ए एफ प्लस एफसी। ठीक है, अब देख लो ए में ईसी ऐड कर देंगे, ए में ईसी ऐड कर देंगे, ए में ईसी ऐड कर देंगे,
ये ए ही एबीसी, तो क्या हो जाएगा ए सी अपॉन ई सी। और फिर यहां पे देख लो आप ए एफ है, ए एफ में एफ सी को ऐड कर देंगे, ए एफ प्लस एफ सी, तो भी क्या हो जाएगा ए सी ही हो जाएगा, ए सी अपॉन एफ सी, ये कैंसिल हो जाएगा ए सी एफ सी, आप जानते हो वैसे कट जाता है। तो आ गया क्या, आ गया ई सी इज इक्वल टू एफ सी। देखिए आपने गलत माना है, तो गलत का रिजल्ट हमेशा बोले कि गलत ही आता है, कभी सही नहीं आ सकता, ठीक है। अब गलत माने हो तो गलत का रिजल्ट गलत ही आएगा, सही नहीं आएगा। आप देख लो क्या आ गया, ई सी ये है, एफ सी ये है, कभी भी इतना इतना के बराबर होगा ई सी, कभी भी एफ सी के बराबर होगा नहीं होगा, क्यों आपने गलत माना है, तो कैसे बराबर होगा। तो यहां पे देख लीजिए ई सी या सी एफ सी के कभी बराबर नहीं होगा। हाँ ये कब पॉसिबल है, कब बराबर होगा, कब बराबर होगा, जब एफ कौन साइड होगा कहां पर, ई पर, जब एफ किस पर कौन साइड होगा, ई पर, मतलब एफ और ई दोनों एक दूसरे से क्या होगा कौन साइड होगा, तभी बराबर हो सकता है, ऐसे बराबर होने वाला नहीं है। यहां पे लिख देना कि इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, यहां पे लिख देना कि इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन एफ एंड ई कोइंसाइड कोइंसाइड विथ ईच अदर, जब एक दूसरे से क्या होगा कोइंसाइड होगा, एफ को खींच के यहां पे ले आओ या इसको खींच के यहां पे ले आओ, ऐसे एफ को खींच के यहां पे ले आओगे तो एफ को खींच के यहां पे ले आओगे तो डी एफ कोइंसाइड हो जाएगा डी का, है ना, एफ को खींच के यहां पे ले आओगे तो डी एफ लाइन कहां पे चला आएगा डी पर, डी एफ लाइन कहां पे चला आएगा डी पर आ जाएगा, डी एफ लाइन डी पर आ जाएगा, और आपने डी एफ को बी सी के पैरेलल मान लिया है और ये वाला लाइन ऐसे सीधा हो जाएगा तो डी एफ लाइन डी पर आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि डी भी बी सी का क्या हो जाएगा पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोइंसाइड विद ईच अदर, तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए डी एफ कहाँ पे कोइंसाइड होगा, डी एफ कोइंसाइड होगा है ना डी, और जब डी एफ डी पर आ गया तो आप आसानी से कह सकते हो कि डी पैरेलल होगा किसका बी सी का, इसलिए लिख देते हैं डी पैरेलल है बी सी का, ये प्रूफ हो गया, ठीक है, और यही तो प्रूफ करना था। चलो आप लिख लो, चलो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है, और आगे हम नेक्स्ट थ्योरम लेके आएंगे, ठीक है, और फिर एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन करके हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेकिन सारे थ्योरम बताने के बाद आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। इसमें हम आपको अभी मिड पॉइंट थ्योरम बताएंगे, है ना, और भी बहुत सारा थ्योरम जो है इसमें बताएंगे, तो बिल्कुल अलग ढंग से प्रूफ करते हैं, ये बिल्कुल क्लास 9 से अलग होता है, आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, अगर एक बार नहीं तो दूसरे बार देख के वीडियो एकदम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है, साफ है, ठीक है। इसी चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।